हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, प्रीपेड टास्क स्कैम एक ऐसा स्कैम जो पिछले दो सालों से लगभग चल रहा है। इसके लगभग हर पहलू के बारे में बात कर चुका हूँ, जो भी अलग अलग तरीके आते हैं, चाहे वो होटल रेटिंग रहा हो, चाहे रेस्टोरेंट रेटिंग रहा हो। बड़े बड़े ब्रांड के नाम का इस्तेमाल किया जाता है, फ्लाइट नेटवर्क, आजकल ऐप फीचरा के नाम से, रैंक माई ऐप के नाम से, मोबाइल ऐप को ऑप्टिमाइजेशन कराने के नाम पर चल रहा है। YouTube वीडियो को लाइक करने से लेकर के इस सफ़र की शुरुआत हुई थी, और अब अलग अलग तरीके जो है अलग अलग पैतरे इनके द्वारा अपनाए जा रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए इसमें लोगों के जा रहे हैं। बहुत सारे लोग, लगभग दिन में 100 से 150 लोग तो मुझे ही कमेंट करते हैं कि मेरे इतने पैसे चले गए, उतने पैसे चले गए। तमाम सारे लोग कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि इंस्टाग्राम पे आके पूछते हैं या फिर वीडियो के नीचे आकर के पूछते हैं, उन सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा। उसके पहले एक खबर बता देता हूं कि बैंगलोर में एक वुमन एंटरप्रेनर है, उनके 2.7 करोड़ रुपीज इसी स्कैम में गए, जो कि यूट्यूब वीडियो को लाइक करने के नाम पर उनके साथ किया गया। अब चूंकि सही समय पर उन्होंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दी थी, इसलिए उनके 1.7 करोड़ रुपीज जो है वो रिकवर कर लिए हैं, और बाकी के पैसों पे भी छानबीन की जा रही है। अब देखते हैं पैसे निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, लेकिन फिलहाल न्यूज यही है कि 2.7 करोड़ रुपए एक महिला एंटरप्रेनर, जिनको कि YouTube के लाइक के नाम पर उनको सबसे पहले WhatsApp पर एक प्रपोजल आया, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मुझे भी आया था। उसमें इस तरह से कोई आपको कॉल करता है एक WhatsApp नंबर से, हाँ कॉल भी आ रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैसेजेस से ही आ रहा है, कई बार वो आपको कॉल करते हैं डायरेक्टली, और वो इंडियन नंबर या इंटरनेशनल नंबर हो सकता है, और उसमें बता देगा कोई भी, मैं सोनिया बोल रही हूँ, फलाना बोल रही हूँ। कई बार पुरुषों की भी कॉल आते हैं, लड़कों की भी कॉल आते हैं, वो आपको बताते हैं कि हम XYZ मार्केटिंग कंपनी से बात कर रहे हैं और हम YouTube के चैनल्स को प्रमोट करने के लिए या उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, उनके व्यूज बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं, तो आपको हम पार्ट टाइम जॉब देना चाहते हैं। इस विषय पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी इसको ब्रीफली समझ लेते हैं। यहां से वो आपको ले जाते हैं टेलीग्राम पर, आपसे 2-3 जो है वीडियोस लाइक कराए जाते हैं किसी बड़ी सेलिब्रिटी या किसी बड़े ब्रांड के यूट्यूब चैनल के, और उसके बाद आपको कुछ 150, 200, 300 रुपए दे दिए जाते हैं। उसके बाद जब पैसे आपको मिल जाते हैं, उसके बाद आपको चूंकि उन पर भरोसा हो जाता है, आपको लगता है हाँ ये एक जॉब है, डेली आप 3 से 5 हजार रुपए कमा सकते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप इनके बताए हुए टेलीग्राम चैनल पर चले जाते हैं। वहां पर ऑलरेडी कई सारे लोग मौजूद होते हैं, 300-400 लोग, हालांकि वो 300-400 लोग नहीं होते हैं, उन्हीं के ग्रुप के सारे मेंबर्स होते हैं, जो कि आपको एक ऐसा आपके सामने माहौल पैदा करते हैं जैसे कि वो सब कमा रहे हैं। वहीं पर डे वाइज स्कैम चल रहा होता है, डे वाइज डील उनकी आती रहती है कि अब ये लाइक करो, वो लाइक करो, इसके स्क्रीनशॉट भेजो, और आपको ऐसा लगता है कि बाकी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो आपको फंसाने के लिए उस ग्रुप में डाला गया है, और वहां पर वो अलग अलग पेमेंट की स्क्रीनशॉट भेजते हैं, मैंने इतना कमा लिया, उतना कमा लिया, ताकि आप कन्विंस हो सको, और आप जो कन्विंस हो जाते हो तो आपको लगता है कि मुझे भी वहां पर इस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि बीच में क्या होता है वो एक इन्वेस्टमेंट स्कीम भी देते हैं, क्योंकि आप 1500 रुपए ऑलरेडी कमा चुके हो, तो आप उनकी इन्वेस्टमेंट स्कीम में भी पैसे लगाने से नहीं चकते। शुरुआत में आपसे कहा जाता है 1000 रुपए लगाइए, आपको 1300 मिलेंगे या 1400 मिलेंगे, कुछ भी एक अमुक राशि आपको दी जाती है, आप उसमें लगाते हैं, आपको 1400 तुरंत वापस भी आ जाते हैं। फिर आपसे कहा जाता है 3000 लगाइए, 5000 लगाइए, इस तरह से अलग अलग स्टेप्स में पैसे लगाने की बात करते हैं। अब चूंकि पैसा आता देख आपके मन में भी लालच आ जाता है, और आपको काम भी जरूर लगता है, आपको लगता है हाँ यार ये तो सही है, YouTube की वीडियो उसकी व्यूज ही तो बढ़ा रहे हैं, और वो जो पैसे का इन्वेस्टमेंट है वो एक अलग नाम से लेते हैं, वो क्रिप्टो के नाम से लेते हैं, वो कहते हैं वहां पर आपके पैसे डबल हो जाएंगे, हम मार्केटिंग कंपनी है, चूंकि हमारा ये सब काम है, तो आपको उन पर भरोसा होता चला जाता है। ठीक ऐसा ही इस महिला उद्यमी के साथ में भी हुआ, इन्होंने भी इस तरीके से पैसे लगाए। उसके बाद क्या करते हैं, वो बहुत ही स्मार्टली आपको एक 4 लोगों के VIP ग्रुप में डाल देते हैं, आपसे कहा जाता है कि यहाँ पर एक अलग तरह का सेशन चलेगा, फिर वहां 30,000, 50,000, 80,000, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तरीका यही है कि आपको शुरुआत में थोड़ा सा रिटर्न देते हैं, बाद में आपसे बड़ा रिटर्न लेकर के, और आप उस रिटर्न को बचाने के चक्कर में, मान लीजिए आपने 50,000 लगा दिया, आपसे कहा जाता है कि आपका 2 लाख का रिटर्न आ चुका है, अब वो 2 लाख लेने के लिए आपको अगला राउंड भी खेलना पड़ेगा, वो आपको ऐसा कहते हैं कि अगले 4-5 राउंड आपको खेलने हैं, तभी आपको पैसे सारे एक साथ मिलेंगे, और इसी दौरान आपको एक वॉलेट में रजिस्टर करा दिया जाता है, वहां पर वो सारा अमाउंट दिखता रहता है, तो आपको लगता है कि ये जेन्युइन है, मैं इसको विड्रॉ कर सकता हूं, कब, जब सारे राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन वो राउंड्स कभी कंप्लीट होते ही नहीं है, क्योंकि उनकी हर बार की जो डिमांड्स होती हैं वो बढ़ती चली जाती है। YouTube लाइक वाले केस में बता रहा हूं, होटल रेटिंग वगैरह जो है उसमें भी कमोबेश यही होता है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होता है। तो अपने पिछले पैसे को बचाने के चक्कर में आप तमाम सारा पैसा लगाते चले जाते हो, अगली डिमांड 8 लाख की होती है, फिर 15 लाख की होती है, 20 लाख की होती है, बढ़ती ही चली जाती है। उसके बाद आपको जो रिटर्न दिखाया जाता है वो भी बहुत हाईफाई दिखाया जाता है, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना दिखाया जाता है। जब आप विड्रॉल मांगते हो तो आपसे कहा जाता है कि आपको इस अमाउंट का 30% टैक्स देना पड़ेगा, या फिर कहा जाता है कि पेमेंट हैंडलिंग चार्जेस दिए जाएंगे, या फिर बीच में ऐसा कुछ भी गेम होता है जहां पे वो कहते हैं कि आपने टास्क गलत कर दिया है, जबकि गलत कुछ नहीं किया होता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं आपने टास्क गलत कर दिया है। गलत क्या किया होता है, उसी ऐप पे जाके आपको बाय और सेल करने होते हैं स्टॉक्स को, या जो भी क्रिप्टो वो बताते हैं,
जो कि आपसे कहा जाता है कि आपने गलत किया है, तो अब आपको इसका एक और टास्क खेलना पड़ेगा, आपको भरपाई करनी पड़ेगी, और बाकी के ग्रुप के मेंबर आपके ऊपर भड़कते हैं, आपको लगता है कि यार वो जेन्युइन बंदे हैं बट वो भी उन्हीं के बंदे होते हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद उस महिला ने 2.7 करोड़ रुपए इसमें खो दिए थे। अच्छी बात यह रही कि जब उन्होंने अपने दोस्त से बात की तो उन्होंने कहा कि ये स्कैम है और आपको तुरंत साइबर क्राइम में रजिस्टर करना चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा सबसे पहली सलाह यही देता हूं कि पैसा रिकवर होगा या नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले आप साइबर क्राइम में जाकर रिपोर्ट तो करो। तो रिपोर्ट किया उन्होंने, तो उसके बाद जो है पुलिस ने कार्रवाई की, उन सारे अकाउंट्स को फ्रीज किया जिनमें अकाउंट में पैसे दिए गए थे। आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी अकाउंट दिए जाते हैं शुरू से आखिरी तक, वो सब म्यूल अकाउंट होते हैं या फेक अकाउंट होते हैं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लिए जाते हैं, या रेंटल अकाउंट होते हैं, या कुछ ऐसे लोगों को हायर किया जाता है जिनको कहा जाता है कि हम गेमिंग कंपनी है या क्रिप्टो की कंपनी है, हमारे क्लाइंट आपको पैसा देंगे, और उनको भी नहीं पता होता कि उनके पास इस स्कैम का पैसा आ रहा है। अब यहाँ पर कुछ सवाल हैं, उनके सीधे सीधे जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। तो एक बहुत कॉमन सवाल आता है लोगों का, लोग कहते हैं कि सर मेरा क्वाइन डीसीएक्स का अकाउंट फ्रीज हो गया है और इसमें पैसे दिख रहे हैं, क्या मैं इसको विड्रॉ कर सकता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए कि वो क्वाइन डीसीएक्स का अकाउंट है ही नहीं। दरअसल स्कैमर जो वॉलेट आपको दिखाते हैं वो कहते हैं कि ये क्वाइन डीसीएक्स है या फिर वजीरेक्स है या बाइनेंस है, लेकिन जब आप उसकी URL पे गौर करेंगे तो वो ये पोर्टल्स नहीं होते हैं। क्योंकि ऑनलाइन इस तरह के पोर्टल्स मौजूद हैं और जेन्युइन भी हैं, तो आप उनके भरोसे यहाँ पर रजिस्टर करते हो और आप सोचते हो कि यहाँ से पैसा रिकवर होगा, और आप गाली किसको देते रहते हो, क्वाइन डीसीएक्स को, जबकि क्वाइन डीसीएक्स में आपका पैसा है ही नहीं। क्योंकि आपने जो पेमेंट की होती है वो पेमेंट की होती है मैनुअली अपने अकाउंट से, या तो UPI के थ्रू या RTGS के थ्रू। इस वॉलेट में कोई पैसा नहीं है तो यहाँ से विड्रॉ भी नहीं हो सकता, ये फर्जी है, फेक है। दूसरा सवाल आता है कि मैंने अपना बैंक अकाउंट वहाँ दिया हुआ है इस पोर्टल में, तो क्या मेरा अकाउंट खाली हो जाएगा क्या? तो इसका सीधा जवाब यह है कि खाली तो नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां से कोई हैक तो नहीं कर रहे, आपने सिर्फ आपने अपना नाम और अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिया होगा, तो इससे वो हैक नहीं करते। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि वो इस डिटेल के जानकारी के साथ में आपको किसी और तरीके से मैनिपुलेट करें, कहीं पर आपका अकाउंट नंबर डालें, फिर OTP के लिए आपको कॉल करें, तो वो आपको नहीं देना है। तीसरा सवाल ये आता है कि सर अभी भी मैं उस ग्रुप में मौजूद हूँ और क्या कुछ हो सकता है, क्या ये रियल बंदे हैं, ये उनकी फोटो है, लोग उनकी फोटो, उनका नाम और कई बार उनके नंबर्स भी दिखाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो भी ग्रुप में नाम, नंबर, फोटो है, ये सब फर्जी हैं। हो सकता है आपका ही फोटो अपलोड करके वो अगले किसी ग्रुप में लोगों को स्कैम कर रहे हो। नाम किसी का ले लेते हैं, टिंडर से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से ये अकाउंट उठाते हैं, तो उनके यहाँ पर जो आप कहते हैं ना, लोग कई लोग कहते रहते हैं कि अगर मैं इनको अभी बातचीत करता रहूं, मैंने उनको बोला है पैसों का इंतजाम कर रहा हूं, तो क्या इस बीच में कुछ हो सकता है, हम इनको ट्रेस कर सकते हैं। तो मैंने तमाम वीडियोस बनाए जिसमें बताया कि ये लोग इंडिया से बाहर बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं ज्यादातर, और ये लोग अपनी IPs वगैरह भी इस तरह से राउट करते हैं कि इनको पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता है। तो यहां पर सर खपाना बिल्कुल बेकार है। जैसा कि बताया, पहला काम आपको अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना है। अगला जेन्युइन सवाल ये है कि सर अब वो नेक्स्ट राउंड में इतने पैसे मांग रहे हैं और वो विश्वास दिला रहे हैं कि इतना पैसा देने के बाद मेरा पैसा वापस आ जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप चाहे कितना भी पैसा दे दो, इसी केस में देख लो, 2.7 करोड़ देने के बाद भी क्या इनको पैसे मिले? नहीं मिले, कभी नहीं मिलेंगे। आप 5 करोड़ दिया, 10 करोड़ दिया, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए आपको जहां तक भी आप पहुंच चुके हैं, आप रुक गए, आपने वीडियो देख लिया है, यहीं से आपको जाकर के साइबर क्राइम में रिपोर्ट करनी है, और मेक श्योर कि जितने भी अमाउंट, जितने भी ट्रांजेक्शन आपने किए हैं अलग अलग बैंकों में, सबको इंक्लूड कीजिए और अच्छे से रिपोर्ट दायर कीजिए। रिपोर्ट कैसे दायर करनी है, इसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल जो कि हर कोई पूछता है कि सर क्या साइबर क्राइम में रिपोर्ट करने से मेरे पैसे वापस आ जाएंगे? मैं हमेशा कहता हूं, 100 बार नहीं 1000 बार कह चुका हूं, और जब भी कोई मेरे पास पहली बार आता है ये बोलते हुए कि मेरा पैसा ठगा गया है, तो मेरा पहला स्टेटमेंट यही होता है कि क्या आपने साइबर पे रिपोर्ट की है या नहीं की है। तमाम मुश्किलें आती होंगी, आपने बहुत अच्छा बुरा सुना होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, टाइमली रिपोर्ट कीजिए। पैसा वापस आएगा नहीं आएगा ये सब बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन अगर आप रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो चांसेस है अंडा, यानी कि शून्य। तो अगर आप बिल्कुल भी रिकवरी चाहते हैं तो सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको रिपोर्ट करना है। कैसे रिपोर्ट करना है डिटेल में वीडियो बनाई है, डेस्कटॉप से कीजिएगा, मोबाइल से मत कीजिएगा, मोबाइल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, या 1930 पे कॉल कीजिए, वहां नहीं लगता। तो जैसा कि मैंने बताया, डेस्कटॉप से कीजिए, आराम से रिपोर्ट होती है, और इंफॉर्मेशन को सेव कीजिए, पहले से ही इंफॉर्मेशन अपने पास रखिए ताकि टाइमली आप पेज रिफ्रेश ना हो, क्योंकि पेज रिफ्रेश की प्रॉब्लम आती है, तो अगर आप बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे तो पेज रिफ्रेश हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन पहले से रखिए, UTR नंबर, ट्रांजेक्शन IDs, ठीक है, कौन सा अमाउंट किस बैंक से किस बैंक में गया, पहले एक्सेल बना लीजिए अच्छे से, और उसके बाद रिपोर्ट कीजिए। इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसा लिखते रहते हैं कि मैं तो फ्री का पैसा कमा लूंगा और उसके बाद मैं ग्रुप से निकल जाऊंगा। तो यहाँ पर भी मैंने आपको कई बार चेताया है कि चाहे आप 150 रुपए उनसे रिसीव कर रहे हो, 300, 500, देखो गलती से रिसीव कर लिया डिफरेंट चीज है,
उसके बाद भी मैंने कुछ प्रिकॉशंस बताए हैं, गलती से रिसीव कर लिया है तो। लेकिन अगर आप जानबूझकर रिसीव कर रहे हो, आपको बता दूं कि हर बार जो अमाउंट आता है वो अलग अलग अकाउंट से आता है और उन अकाउंट्स के अगेंस्ट कभी कंप्लेंट होगी तो चाहे वो 100 रुपए आपने लिए हो, 200 लिए हो, 500 लिए हो, 1000 लिए हो, आपका बैंक अकाउंट निश्चित तौर पर फ्रीज होगा। फिर आपके जो बैंक में पैसे खुद के हैं उनके लिए भी आपको अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए चप्पलें चटकानी पड़ेंगी। इतना आसान नहीं होता बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराना, इसलिए बता रहा हूं मैं। आजकल तो क्या हो रहा है कि बैंक अकाउंट के साथ साथ आपका मोबाइल नंबर भी MHA द्वारा फ्रीज किया जा रहा है। तो इससे पहले कि आप इस तरह की मुश्किलों में पड़े 100-200-500 रुपए के चक्कर में, 1000-2000 के चक्कर में, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि जब भी इस तरह कोई आता है इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले तो सर्च किया करो, यूट्यूब पे जाया करो, इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर किया करो। क्योंकि ये अगर कर लेते आप तो पिछले 2 साल से मुझे ही 25 वीडियो ना बनाने पड़ते। और ऐसा नहीं कि बेवकूफ लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, इतना सोफिस्टिकेटेड स्कैम है जहां पर सब बड़े बड़े लोग फंस रहे हैं भाई। 2.7 करोड़ की औकात हर किसी की नहीं होती देने की। 36 लाख, 58 लाख, 57 लाख, 18, 20 लाख, 25 लाख कॉमन है। 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ कॉमन हो गया इस समय, आप देख लो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस मैंने बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। डिटेल में बताया है कैसे होता है, क्या होता है, कहां से ऑपरेट हो रहा है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आप चाहें तो अदर वीडियो में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पैसे बच सकें। क्योंकि जितना आसान ये स्कैम लगता है उतना आसान ये है नहीं।